सो हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया से होंगे। हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके जिसमें आज हम बात करेंगे एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में। व्हीकल की एक्सटेंडेड वारंटी, कोई सा भी व्हीकल हो, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, हो सकता है आप नेक्स्ट टाइम मतलब आने वाले फेस्टिवल सीजन में कोई बाइक, कोई फोर व्हीलर लेने जा रहे हैं, तो एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में अगर आपको जाना है तो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। होता क्या है दोस्तों कि जब भी मतलब व्हीकल ले लिया उस टाइम पे हम बिल चेक करते हैं तो एक चीज उन्होंने लिखी होती है एक्सटेंडेड वारंटी। कई बार ध्यान देते भी हैं, कई बार नहीं भी ध्यान देते हैं, और कई बार शोरूम पूछ भी मतलब शोरूम वाले आपसे पूछ भी लेते हैं कि हाँ आपने एक्सटेंडेड वारंटी करानी है। कई बार वो नहीं पूछते हैं, आपका इंक्लूड कर देते हैं। होता क्या है कि बजट के हिसाब से हम जब कॉस्ट कटिंग, यार ये एसेसरी नहीं चाहिए, ये वाली चीज भी मुझे नहीं चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि यार अभी फिलहाल मुझे व्हीकल मिल जाए, उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं जो एसेसरीज वगैरह लगवा लूंगा या फिर लोकल मार्केट में भी लगवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ शोरूम से मुझे गाड़ी मिल जाए। और हम क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए उस एक्सटेंडेड वारंटी को भी मना कर देते हैं। देखिए एक्सटेंडेड वारंटी है क्या, नॉर्मली मैन्युफैक्चरर जो है आपको हो सकता है 2 साल 3 साल को मतलब वारंटी में जो जो पार्ट्स आते हैं उनकी आपको नॉर्मली 3 साल की वारंटी देता है या 2 साल की वारंटी देता है। उसके बाद जो है वो जो पार्ट्स हैं, मीटर हो गया, आपका साइलेंसर मतलब आपका साइलेंसर है या फिर इंजन है, ये जो जो पार्ट्स उन्होंने वारंटी के अंदर रखे होते हैं, ये भी एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है इंश्योर करना कि मेरे वारंटी में कौन कौन से पार्ट हैं। ये चीज क्योंकि क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है, हम मान के चलते कि ये भी वारंटी में है, रोटेटिंग पार्ट कभी वारंटी में नहीं होते हैं, और जो वारंटी में होते हैं, एक बार व्हीकल की मतलब डिलीवरी लेने से पहले ये चीज भी पता कर लें कि कौन कौन से पार्ट जो है इंश्योरेंस में बिल्कुल इंक्लूड हैं, कौन कौन से पार्ट्स पे आपको वारंटी जो है 3 साल 5 साल तक मिलेगी, ये चीज जरूर पता कर लें। अब नेक्स्ट, वारंटी एक्सटेंडेड मतलब एक्सटेंडेड वारंटी जरूर करवाएं, ना करवाएं तो देखिए क्या होता है, एक बंदे ने करवाई एक ने नहीं करवाई, मान के चलिए 3 साल तक दोनों की बाइकें जो है, ए की सपोज कीजिए ए और बी हैं, उन्होंने दोनों ने वारंटी एक्सटेंडेड वारंटी एक ने करवाई एक ने नहीं करवाई, मान के चलिए 3 साल तक दोनों की बाइकें जो या व्हीकल जो है सब स्मूथ चलता रहा, एक ने वारंटी जिसने नहीं ली थी उसकी बाइक में कोई दिक्कत आ गई, 3 साल के बाद ही नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे प्रॉब्लम आ गई, अब क्या होगा, वो उस व्हीकल को शोरूम में लेके जाएगा, वो सीधी तरह यही कहेंगे कि जी ये वारंटी में अब नहीं है, इसके ऊपर जो है अब चार्जेस लगेंगे, लेबर चार्जेस मान के चलिए दोस्तों, लेबर चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं शोरूम में, और आजकल इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं इंजन के ऊपर हर एक चीज की कि लोकल मार्केट में आप उसको रिपेयर नहीं करवा सकते हैं, आपको लेके जाना पड़ेगा शोरूम में ही, और वो उस टाइम पे जो आपका 200-300 टू व्हीलर्स के लिए या फिर फोर व्हीलर्स के लिए हो सकता है 2000-3000 की एक्सटेंडेड वारंटी होगी, उस टाइम पे उन 2000 का या फिर उस 250 रुपए का वो आपको हजारों रुपए चार्ज कर देंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको व्हीकल मजबूरी में उनसे रिपेयर करवाना ही पड़ेगा। और दूसरा जो मैंने कहा था कि पर्सन जिसने वारंटी ले रखी है, एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है, उसका अगर 3 साल बाद कोई दिक्कत आती है, जैसे मान के चलिए 5 साल तक उसने एक्सटेंडेड वारंटी करवा ली थी, तो 5 साल तक अगर व्हीकल में कोई दिक्कत भी आ जाती है तो वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़ेगा, उसमें जो भी इशू होगा वो रिजॉल्व करके देंगे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम शुरू में कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं करवाते हैं, और ये चीज मतलब बाद में जो फिर हजारों लग जाते हैं तब हम लगवा लेंगे, लेकिन शुरू में छोटा सा जो अमाउंट देना है बिल्कुल छोटा सा रखा होता है, जैसे मेरी बाइक के लिए 235 या 240 रुपए थे और 5 साल तक उसकी वारंटी है, आप निश्चिंत रहिए फिर कि हाँ यार ये चीज अगर खराब होगी तो ये फिर मतलब वो आराम से करके देंगे और उनकी ड्यूटी है करने की। अब क्या है कि एक्सटेंडेड वारंटी आपने करवा ली है, लेकिन एक माइंड में होता है कि यार ठीक है जब तक मैं फ्री सर्विस है और फ्री सर्विस के टाइम तक मैं शोरूम में करवा लूंगा, बाद में इनको मरने दो क्योंकि महंगी करते हैं, नॉर्मली से इंजन ऑयल डलवाया लोकल मैकेनिक से और चला दी बाइक। ये चीज बता दूं दोस्तों कि जब आप वारंटी एक्सटेंडेड वारंटी क्लेम करेंगे, कोई भी वारंटी क्लेम करेंगे, आपका A to Z डाटा देखा जाता है शोरूम में कि कितने टाइम बाद इसने सर्विस करवाई थी और कितने किलोमीटर बाद इसने सर्विस करवाई थी, पूरी चीजें चेक करने के बाद तब आपको वारंटी जो है क्लेम करने देंगे वो।
अगर आपने बीच में कहीं बाहर से करवाई या फिर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग सर्विस नहीं करवाई तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी क्लेम नहीं करने देंगे और नॉर्मल चार्जेस आपको ठोकेंगे। ये चीज़ एंश्योर कर लें कि फ्री सर्विस के बाद भी जब तक आपकी वारंटी में है व्हीकल, आपको शोरूम से ही हर एक काम, बल्कि मैं एक छोटा से छोटा काम भी शोरूम से करवाता हूँ क्योंकि लोकल मैकेनिक, आजकल देखिए टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, इंजन एडवांस है और मतलब लोकल मार्केट में कि क्या करेंगे, वो एक इंजन ऑयल सा चेंज कर देंगे, बाकी जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका उनका सोल्यूशन वो नहीं करते या फिर खोल खाल के उसको मतलब कबाड़ा बना देंगे और फिर आप शोरूम में भी किसी भी तरह का उनसे लड़ झगड़ नहीं सकते। तो दोस्तों ये थी वीडियो, इसको बनाने का मकसद यही था कि यार इन चीज़ों का ध्यान रखें, एक्सटेंडेड वारंटी जरूर लें और जब तक वारंटी है तब तक सर्विस जो है वो शोरूम से ही करवाएं। सिंपल 200 से 300 रुपए के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप वारंटी ना करवाएं और बाद में फिर पछताएं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करना। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना।